आज का मेरा जो वीडियो है वो है कि ईमेल हम किस तरीके से अपने पैट्रॉन्स को ओवरड्यू होने पर, बुक इश्यू होने पर, बुक रिटर्न होने पर या मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन होने पर हम उनको किस तरह से ईमेल के द्वारा नोटिफिकेशन भेज सकते हैं। इसमें हमें कुछ सेटिंग्स करनी होती है जिसके बाद हम जो जो नोटिस होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं उनके पैट्रॉन्स के ईमेल पर। तो आइए दोस्तों, हम क्या करना होता है, कुछ कमांड्स हमें इसमें स्टाफ क्लाइंट में देने होते हैं और कुछ हमें अपने कमांड लाइन पे देने होते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये सारे कमांड्स हैं जो हमें यहाँ पर देने हैं, करीब 11, 10, 9 कमांड हैं और इनको हम वहाँ पर देंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, स्टाफ क्लाइंट में जाके सबसे पहले हमें यहाँ पर कुछ सेटिंग करनी होती है। जैसे को एडमिनिस्ट्रेशन में गए, आप क्लिक करें को एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर और उसके अंदर फिर आप ग्लोबल सिस्टम प्रेफरेंस के अंदर चले जाइए और यहाँ पर आप पैट्रॉन्स में चले जाइए। तो पैट्रॉन टैब में आप क्लिक जब करेंगे फिर आपको पैट्रॉन क्लिक में आप जैसे करेंगे उसके अंदर आप चले जाइए नोटिसेस एंड स्लिप्स में, ये नोटिसेस एंड नोटिफिकेशन के अंदर आप देखेंगे एनहांस्ड मैसेजिंग प्रेफरेंसेस, इसको आप अलाउ रखिए। हो सकता है डिफॉल्ट डोंट अलाउ हो, आप इसको अलाउ कर दीजिए। तो पहला काम तो आपको ये करना है, तो इसको आपको करने के बाद सेव कर लें और बाहर आ जाएं। फिर दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा कि स्टाफ क्लाइंट के अंदर ही हम चेक करेंगे अपने पैटर्न कैटेगरी को, जैसे को एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ फिर दोबारा क्लिक करेंगे हम। हमें यहाँ ध्यान रखना है जब हम कैटेगरी क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर पूछता है कि ओवरड्यू आपको यस करना है या नहीं करना ओवरड्यू मैसेज के लिए। तो आप पैटर्न कैटेगरीज में जाकर वहां पर जब पैटर्न क्रिएट करें तो ओवरड्यू नोटिस को उसको यस जरूर कर दें। तो वही आप यहाँ देखेंगे, अगर आप यस करेंगे तो जैसे यहाँ दो दो मेरी कैटेगरी है लाइब्रेरी स्टाफ एंड टेक्निकल, लेकिन ओवरड्यू में मैंने यस किया हुआ है। तो ये क्रिएट करते समय आपको यस करना है, यहाँ पर नहीं आप एडिट में एडिट करके भी आप इसको कर सकते थे यहाँ पर, बट आपको पहले जब क्रिएट करनी है तभी करनी है। ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम आपको एक और करना है अपने पैट्रोन के, जैसे मैंने 200 मेरे पैट्रोन का कार्ड नंबर है और उसको मैंने ओपन किया। इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर आप जब एडिट में जाते हैं, मैं दिखा रहा हूँ आपको आपको, लेकिन जब जब क्रिएट करते हैं पैट्रोन आपको उसी टाइम करना है ये काम। आपको एक तो प्राइमरी ईमेल जरूर देना है, प्राइमरी ईमेल जो है ये वो ईमेल है जिसके जिसमें कि आप उसको नोटिफिकेशन भेजोगे। फिर दूसरा नीचे सबसे नीचे आ जाएंगे स्क्रॉल करने के बाद, तो यहाँ पर ईमेल में आप इनको चेक जो आपको दिख रहे हैं इनको आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है सारों को। और फिर यहाँ पर एडवांस नोटिसेस को, जैसे मैंने 2 डेज का एडवांस नोटिफिकेशन देने का मैंने रखा है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं, बट मैंने 2 रखा है। तो ये 3 काम आपको स्टाफ क्लाइंट कोहा में जाके करने हैं, इसको आप बंद कर देंगे। अब हमारा काम रह गया है टर्मिनल के ऊपर। आइए अब हम टर्मिनल को ओपन करेंगे, कंट्रोल एल्ट और टी दबाएंगे इकट्ठा, तो ये आपका टर्मिनल खुल जाएगा। कमांड लाइन में आपको कमांड्स अब देने हैं, अब हम कमांड देंगे एक एक करके, लेकिन हमें सबसे पहले रूट यूजर में जाना है, यानी कि हमारा जो रूट है, जो हमारा जो कमांड्स हमने देने हैं वो रूट में जाके देने हैं। तो सबसे पहला उसके लिए क्या कमांड है, ये देखिए आप कमांड, जो आप अब टर्मिनल में जाएंगे ये सारे कमांड हमने एक एक करके देने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे और सबसे पहले हम रूट के लिए सूडो su लिखेंगे और एंटर करेंगे। यहां पर आपको पासवर्ड देना है जो उबंटू इंस्टॉल करते समय आपने दिया था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही वो मेरा पासवर्ड गलत हो गया, मैं दोबारा इसको पासवर्ड दूंगा और मैं अब रूट में आ चुका हूं। अब हमें कमांड देना है, सबसे पहले हम अपनी मशीन को अपडेट कर लें, है ना, अपने उबंटू मशीन को हम अपडेट कर लेते हैं, वो है सूडो एप्ट गेट अपडेट। इस कमांड के साथ आप अपडेट कर लें, आपने ये कमांड दे दिया, ये रन करेगा। मैंने क्योंकि पहले ऑलरेडी किया हुआ है तो इसलिए थोड़ा सा टाइम कम लेगा, अदरवाइज तो टाइम ले सकता है। ये अब रूट में दोबारा आ चुका है, अपडेट हो चुका है। सेकंड कमांड जो हमने देना है वो देना है पोस्ट फिक्स का। पोस्ट फिक्स क्या है, पोस्ट फिक्स एक ईमेल सर्वर बनाना है हमने उबंटू के अंदर, और पोस्ट फिक्स हम एसएमटीपी जो है ना हमें ईमेल सर्वर को इंस्टॉल करना है।
ये उबंटू का एक रिपोजिटरी में ऑलरेडी होता है, बस हमें यहाँ पर इसको इंस्टॉल करना है। उसके लिए कमांड है sudo apt get install postfix, वो हमें यहाँ पर देना है। इसके बिना इस पोस्टफिक्स के थ्रू ही आप उसको ईमेल नोटिफिकेशन, जो जीमेल का हम इसको बनाएंगे उसके द्वारा ही आपकी ये सर्वर या आपके ईमेल जाएंगे। तो हमने इसको लिखना है सबसे पहले sudo apt get और पोस्ट इंस्टॉल postfix, इसके द्वारा आपका postfix इंस्टॉल हो जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है इसके लिए। तो ये इस तरह से ये पोस्टफिक्स इंस्टॉल हो रहा है। ये जैसे ही आपका रन करेगा, एक ये विंडो आपको ओपन करेगा पोस्टफिक्स कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पर आप टैप प्रेस करें और ओके पे आ जाओ और एंटर कर दें, ठीक है। अब फिर दूसरी विंडो तुरंत ओपन हो जाएगी, उसमें आप नो कॉन्फ़िगरेशन एरो के साथ जाएं, एरो की के साथ नॉन कॉन्फ़िगरेशन और टैप के साथ ओके दबाएं और एंटर दबा दें। ये आपका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है और ये रीडिंग होगी, डेटाबेस शुरू हो गया, ये रीड करता रहेगा। तो ये आपका पोस्टफिक इंस्टॉलेशन चल रही है, ठीक है जी। तो ये आपको इस टाइम ये काम आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि पोस्टफिक्स इंस्टॉलेशन जरूरी है ईमेल सर्वर बनाने के लिए। ये प्रोसेस अभी चल रहा है, आप देख रहे होंगे प्रोसेसिंग ट्रिगर्स हो रहे हैं और इस तरह से इसको होने दें। ये देखिए रूट पर अब आ चुके हैं। अब हमें क्या काम करना है, हमें एक फाइल होती है main.cf जो है ये हमें कॉपी करनी है रूट के अंदर etc postfix और उसके अंदर main.cf, ये इस फाइल को हमें इसमें कॉपी करनी है postfix के अंदर। तो उसके लिए ये कमांड आपसे कॉपी कर लें। तो मेरा माउस थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था तो मुझे कॉपी करने में दिक्कत आ रही है, आप इसको कॉपी कर लें, आप इसको वहाँ टाइप भी कर सकते हैं। और जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पर आप cp से कॉपी कर लीजिए और इसको मैंने इसको यहाँ पर पूरे कमांड को कॉपी कर लिया। अब मैं वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। कॉपी पेस्ट में क्या है कि आपका जो कमांड्स हैं वो गलत नहीं होते हैं। तो अब यह टर्मिनल लाइन पे गया मैं, यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया और मैंने इसमें एंटर कर दिया। अब क्या हो गया, ये कॉपी हो गई, तुरंत कॉपी हो जाता है, कॉपी कर दिया है ये फाइल। के बाद हम जो कमांड देंगे यहाँ पर वो है इसको हम पेस्ट apt get install libssl2, इसको ये रन करेगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम ये पैकेजेस जो तीन कमांड है ये देने, अब हम दूसरा कमांड देंगे उसका मॉड्यूल्स के लिए और ये कॉपी करके हम फिर दोबारा वहाँ पर पेस्ट करेंगे और इस तरह से फिर एंटर करेंगे। तो ये हम तीन जो पैकेजेस हैं वो कॉपी करने के बाद कॉपी करके हैं और वहाँ पर सर्टिफिकेट के लिए जैसे ये है आप इसको फिर वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो ये तीनों जो आपके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल हो जाएंगे। अब फिर आप रूट पे आ चुके हैं, अब आपने करना है ओपन द फॉलोइंग फाइल एंड एड सम फाइल। अब हमें कुछ फाइल को कॉपी करके वहाँ पर रखना है, जैसे कि ये ले लेंगे हम gedit और इसको gEditor जो है एक ये हमारा एडिटर होता है और इसको हमने कॉपी कर लिया। हम कुछ क्योंकि सब इसके अंदर हम कुछ एड लाइन एड्स करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले ये कमांड हम इसको ले लेते हैं पोस्टफिक्स main.cf को, इस फाइल को हम ओपन करेंगे, जो मैंने बताया था इम्पोर्टेंट फाइल होती है कि ये। तो आप इसको यहाँ पर पेस्ट कर लें इस कमांड को। जी एडिटर एक एडिटर है, आप दूसरा नैनो भी यूज़ कर सकते हैं या माउस पैड भी यूज़ कर सकते हैं और एंटर कर दें। जैसे एंटर करेंगे एक आपको विंडो ओपन होगी, इसकी main.cf आप देखेंगे फाइल ओपन हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, ये जो नीचे एट द फॉलोइंग लाइन्स आपको दिखाई पड़ रही हैं ये आप कॉपी कर लीजिए। हम यहाँ पर क्या है अपने smtp जो जीमेल को जो है हम जीमेल अकाउंट का जो हम जीमेल का बना रहे हैं यहाँ पर, तो हमें वहाँ पर ये इंफॉर्मेशन वहाँ पर हमें पेस्ट करनी है। तो आप इसके अंदर main.cf फाइल के सबसे नीचे चले जाइए और वहाँ इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद हमें क्या करना है, जो स्पेस अब इसमें रह गई है वो आप इसको ख़त्म कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए और इसको स्पेस को ख़त्म कर दीजिए। इस तरीके से इसको हम डिलीट करेंगे और हम यहाँ पर, तो ये आपको इस तरह से पेस्ट कर देनी है। पेस्ट करते समय ध्यान रखें कोई चीज़ छूटे ना। तो ये जीमेल smtp जीमेल अकाउंट के लिए बना रहे हैं और ये हमने पोर्ट दे दिया 587। अब इसको क्या करना है, सेव करना है। तो ये लाइंस आपको एज इट इज़ वहाँ पर पेस्ट करनी है और सेव करके इसको बंद कर दीजिए। यहाँ आपका काम खत्म हो गया।
अब हमें करना है नेक्स्ट क्रिएट द न्यू फाइल टू सेव द जीमेल पासवर्ड। फिर हम एक पासवर्ड अब यहाँ पर क्रिएट करेंगे, तो हमने फिर वही कॉपी किया और वहाँ पर पेस्ट किया। ये भी एक जी एडिटर खोल, यहाँ पर आपको कमांड देना है आपको, तो ये आप पेस्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने जैसे पोर्ट हो गया 587 देने के बाद एक एक स्पेस दीजिए आप, ज़्यादा स्पेस ना दें। उसके बाद आपको वो ईमेल टाइप करना है, यहाँ पर आपको वो ईमेल देना है जिससे कि आप पैट्रॉन को नोटिफिकेशन भेजना चाहते हैं, यानी ये वो ईमेल है जहाँ से आपका आपके ईमेल आप सेंड करोगे अपने पैट्रॉन्स को। उसके बाद कोलन के बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड देना है, पासवर्ड आपको लिखना है, टाइप करना है पूरा। तो ये पासवर्ड आपने यहाँ पर देकर इसको सेव करके इस तरह से पासवर्ड डॉट इसमें आपको पूरा पासवर्ड देना है, इसको सेव कर बाहर आ जाना है। अब आप आइए, अब हमने देना है अगले नेक्स्ट कमांड को हम देंगे, ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें ये जो चेंज द फॉलोइंग परमिशन ऑफ द फॉलोइंग देना है, तो सी एच मोड लेकर इसको कॉपी करेंगे और हम यहाँ पर इसको पेस्ट करेंगे, तो ये एंटर कर देंगे। ये होने के बाद अब हमें क्रिएट द जो पोस्ट सॉरी ये पोस्ट मैप हमें अब क्रिएट करना है, तो हमें ये पोस्ट मैप के लिए इसको कॉपी करेंगे और इस कमांड को हम वहाँ पर पेस्ट करेंगे। इस तरीके से आपने पेस्ट कर दिया। अब हमें एलियास के लिए जो कमांड है ये देना है 8th नंबर, और इसको हम यहाँ से कॉपी करें और वहाँ पर हम इसको पेस्ट कर लें। आगे जो हमें सर्टिफिकेट के लिए जो हमें करना है, ये ETC जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, अब यहाँ पर कमांड है कि आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि आपने ये कमांड नहीं देना है कमांड आपने, क्योंकि इसमें क्या है कि Ubuntu आपने कौन सा यूज़ किया है, इंस्टॉलेशन आपने कौन सा किया है, वो आपको देखना है। 18.04 है तो आपको ये कमांड देना ऊपर वाला। अगर आप अपने Ubuntu 20.04 LTS लिया है तो आपको नीचे वाला कमांड देना है। तो मेरा जो है वो Ubuntu 20.04 LTS है, इसलिए मैंने ये कमांड ले लिया यहाँ से और मैंने कॉपी किया इसको वहाँ पर, और मैंने वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा आपकी कौन सा आपका Ubuntu वर्जन है, और मैंने इसको एंटर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अपने पोस्टफिक्स को रिस्टार्ट करना है, तो आप ये कमांड रिस्टार्ट पोस्टफिक्स यानी 10वां नंबर जो कमांड है ये हमने ले लेना है, कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करना है। इस तरह से आप एक जगह टाइप कर लें तो आप इसको पेस्ट आराम से कर सकते हैं, या आप कोहा ग्रीक में भी जाके इसको कर सकते हैं और एंटर कर दें, या आपका पोस्टफिक्स रिस्टार्ट हो चुका है। फिर हमने क्या करना है, इनेबल करना है अपनी ईमेल सर्विसेज को, तो इसके लिए आपने कमांड लेना है कोहा, ये जो है मैंने जो लिया हुआ है कमांड इनेबल करने के लिए, कोहा हाइफन ईमेल और हाइफन इनेबल और फिर इंस्टांस का नाम देना है। ये कमांड मैं पेस्ट करूँगा, कोहा हाइफन ईमेल और हाइफन इनेबल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी क्या है, इंस्टांस का नेम है, वो इंस्टांस जो आपने कोहा इंस्टॉल करते समय दिया होगा। तो लाइब्रेरी जरूरी नहीं कि आपने भी इंस्टांस लाइब्रेरी दिया हो, जो भी आपका इंस्टांस है वो ही यहाँ पर देवें। तो यहाँ पर मेरा लाइब्रेरी है इसलिए मैंने इंस्टांस लाइब्रेरी दिया। तो इस तरह से इनेबल आपको करना है, आपको दिख जाएगा ईमेल ऑलरेडी इनेबल्ड फॉर इंस्टांस लाइब्रेरी। तो यहाँ हमारा काम इस टर्मिनल पे अब ख़त्म हो जाता है। अब हम यहाँ पर बाहर आ जाएंगे और आप इससे बाहर आ जाएं एग्जिट करने के बाद। अब हमारा यहाँ पर काम ख़त्म, एग्जिट हो जाएं और अब बाहर आ गए, तो ये आपका टर्मिनल का काम ख़त्म। अब चेक करेंगे कि क्या ईमेल हमारा वहाँ से ईमेल उसको नोटिफिकेशन जा रहा कि नहीं जा रहा। उसके लिए हम क्या करेंगे, चेक करेंगे अपने पैट्रॉन को बुक इशू करने के बाद। तो मैंने जो पैट्रॉन बनाया है उसका कार्ड नंबर है 200, मैं यहाँ पर 200 उसका कार्ड नंबर डालूंगा, और ये आ गया उसका नाम गुप्ता विपिन, और इसको मैं एक बुक इशू करूँगा। इशू करने के बाद मैं चेक करूँगा, मैं यहाँ में मैं एक्सेशन नंबर बुक का डालूंगा, एक नंबर मैं इसको बुक इशू करूँगा जिसका बार कोड 1 है, और मैंने यहाँ पर एंटर सॉरी चेकआउट कर दिया। अब इसको चेकआउट करने के बाद आप देखिए चेकआउट हो चुकी है इसको बुक। अब जब आप नोटिसेस में जाएंगे तो नोटिसेस में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये अभी आपको पेंडिंग दिखाएगा, ये देखिए पेंडिंग दिखाई देगा। बट कई बार क्या होता है, मैंने देखा है पेंडिंग आपको दिखाई पड़ता रहेगा बट आपका ईमेल वहाँ पर सेंट हो चुका होता है। तो आप देखिए यहाँ हम चेक करेंगे,
मैं वही ईमेल खोलूँगा जिससे मैंने सेंड करने के लिए जो मैंने बनाया था, और आप भी ध्यान रखें कि ये वो है ईमेल है जो हमने जी एडिट फाइल के अंदर भी हमने ये डाला था कि मैंने जो बनाया था kowarohela@gmail.com, और हमने पासवर्ड ही वहाँ पर लिखा था, तो वही पासवर्ड आप डाल के इसको चेक करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड और कोहा जो आपको ईमेल है वो सही डालें वहाँ पर, और इसको आप नेक्स्ट जैसे मैं करूँगा तो ये ध्यान रखिएगा कि जब मैंने वहाँ पर जो फाइल जी एडिट में जाके एक फाइल खोली थी और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर smtp करके जो लिखा था .gmail.com और फिर पासवर्ड ईमेल और फिर पासवर्ड दिया था, वही हम यहाँ पर अकाउंट खोल रहे हैं क्योंकि यहीं से हमने सेंड किया है उसको। तो हम यहाँ पर सेंड में जाके देखेंगे कि वहाँ इसको ईमेल गया कि नहीं गया। तो आप सेंट में जाइए और यहाँ पर क्लिक कीजिए। दोस्तों एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, देखिए सेंट में ये जा चुका है चेकआउट का नोटिफिकेशन। एक चीज़ और देखिए ध्यान रखिएगा कि जो 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 जीमेल आप बनाएंगे, जो सेंट करने के लिए आप बनाएंगे ना, उसका जो सिक्योरिटी है उसको मतलब उसको मिनिमम कर दीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा उसको। मैं थोड़ा बाद में दिखाऊँगा आपको किस तरह से आप कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि उस जो हमने उस जिस बंदे को हमने भेजा है उसको पहुँचा है कि नहीं पहुँचा। तो उसमें मैंने उसका जो ईमेल है अकाउंट था जो periodical.gmail.com था, उसमें हम जाके चेक करेंगे। तो उसमें हम चेक करेंगे क्या उसको पैट्रॉन को ये ईमेल मिला कि नहीं मिला। तो ये उसका ईमेल अकाउंट ये था, और यहाँ हम पासवर्ड देख के उसको चेक करेंगे। तो इसकी जो सिक्योरिटी है इसका ध्यान रखना होगा कि जो जीमेल अकाउंट से आप भेजेंगे उसकी सिक्योरिटी आपकी मिनिमम होनी चाहिए। तो यहाँ हम उसका जब अकाउंट खोलेंगे, ये देखिए आपको मिल गया कि यहाँ कोहर ओला से उसको चेकआउट के लिए नोटिफिकेशन गया हुआ है। तो ये नोटिसेस हैं, इनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ कस्टमाइज़ अभी नहीं किया, बाय डिफ़ॉल्ट है आप इसको, बट कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो ये आगे हम वीडियो में दिखाएंगे किस तरह कस्टमाइज़ करना है। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपने पैट्रॉन्स को अपने ईमेल नोटिफिकेशन भेज सकते हैं, चेकआउट का, चेक इन का, मेंबरशिप का, और जो भी आप नोटिफिकेशन भेजना चाहें इस तरीके से आप SMTP सर्वर बना के बाद आप इसको भेज सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो मेरे लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।